नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जो लोग अपने घरों से दूर कहीं और कहीं जॉब कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपने घर पलायन करना शुरू कर दिया है, अपने घर वापस जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि शायद ये लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय तक चले। तो इस कंडीशन में उनको अपने घर वापस जाने का ज़रूरत फील हो रही है कि उनको घर वापस जाना है। आप फ्रेंड्स इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं, उनकी क्या कंडीशन होगी, कैसे वो घर पहुंचेंगे जब ट्रांसपोर्ट्स और अन्य जो साधन हैं वो बंद हैं इस समय। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज उनके साथ थी, वो फैमिली के साथ ही पैदल ही चल पड़े हैं, अपने बच्चों को लेकर साथ में चल पड़े हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है और उनकी भी मजबूरी है। वो उनको इससे सेफ नहीं ज़्यादा कुछ लग रहा कि वो अपने घर पहुंच जाए। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में हमारे ऊपर भी जिम्मेवारी आ जाती है कि हम अपने आसपास या कहीं पे भी अगर हमें कोई लगता है कि मदद की ज़रूरत है तो उसको बड़े ही सावधानी से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर, अपने आप को पूरी तरह कवर करके और हम उनकी मदद कर सकते हैं। आपकी लोकेलिटी में भी अगर कोई आसपास है जिसको आपको लगता है कि उसका वो हैंड टू माउथ है या वो पुअर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप उसकी किसी भी तरह से चावल, अन्न या कोई भी जो ज़रूरत की वस्तुएं देकर जितनी आप में समर्था है उतनी उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो संकट की घड़ी आई है, इसमें हमें सबको एक दूसरे से मिलकर इस समस्या का सामना करना है, एक दूसरे का साथ देना है। आप फ्रेंड्स देख ही रहे हैं कि लोग लंगर लगा रहे हैं, कोई आपने कई जगह देखा है कि पैसे भी बांट रहे हैं, जितनी किसी की समर्था है उस हिसाब से वो पैसे भी लोगों को बांट रहे हैं। तो वो सभी अपने वे से मदद कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं और अपने जो भाई बंधु हैं उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।